हेलो फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2022 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश हो गया है। दोस्तों, जानते हैं बजट के इतिहास के बारे में रोचक बातें। उपनिवेशक युग में देश का पहला बजट 1860 में पेश किया गया। आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के षणमुख जेठी ने पेश किया। बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देश के इतिहास में सबसे ज्यादा 10 बजट पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण पूर्वकालीन पहली महिला वित्त मंत्री हैं। 1997 और 98 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ड्रीम बजट दिया। 2017 तक दो बजट पेश किए जाते थे, रेल बजट और आम बजट। मोदी ने दोनों बजट का विलय किया। अरुण जेटली पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने नई तारीख 1 मार्च की जगह 1 फरवरी को बजट पेश किया।